दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आए सभी चैनलों पे। पूरी दिल्ली को, देश को, मीडिया वालों को इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिल्ली में हुई है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उस समय भी सेम डे फिगर बता दिया जाता है कि इतना मत प्रतिशत पड़ा। मुझे याद है उस जमाने में जब बैलेट से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, चुनाव संपन्न होने के बाद अखबारों में खबरें आ जाती थी, टीवी पे खबरें आ जाती थी कितना मत प्रतिशत चुनाव में मतदान हुआ। कल से सारी मीडिया इस बात का इंतजार कर रही है, पूरी दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है, हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितना मतदान हुआ ये तो बताओ। लेकिन 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव आयोग मत का प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं, कितना मतदान हुआ। इसका मतलब कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ दाल में काला है, कोई खेल चल रहा है अंदर अंदर, क्योंकि मत का प्रतिशत तो बहुत सामान्य सी बात है। वोटिंग करा के कर्मचारी गया, उसने ऊपर सूचना दी, काउंटिंग करने में ज्यादा समय लगता नहीं, 70 विधानसभाएं हैं, पूरे देश के लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय भी मत प्रतिशत आ जाता है, अलग अलग बड़े बड़े राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस समय भी मत प्रतिशत आ जाता है। दिल्ली में तो मात्र 70 विधानसभा है, 70 अलग अलग बूथ की आपके कर्मचारी जानकारी दें, उसको जोड़ के आपको बताने में कितने मिनट लगता है, मान लिया 1-2 घंटे लग जाए, लेकिन 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक एक भी आधिकारिक रूप से बयान चुनाव आयोग का नहीं आया, बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए क्या खेल इसके पीछे पक रहा है और क्यों मत का प्रतिशत बताने में इतना विलंब उन्होंने किया।